बिग बॉस के घर में हो गई है दो वाइल्ड कार्ड एंट्री, रोहित सुचांति और मेघा धड़े की, और शुरू हो गया है बहुत सारा हंगामा। तो चलिए आज आपको बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मेघा धड़े के बारे में बताते हैं कि वो कौन है और बाय प्रोफेशन क्या करती हैं। 30 साल की मेघा धड़े का जन्म 22 मई 1988 को महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ है। मेघा ने कई मराठी टीवी सीरियल में भी काम किया है। खास बात यह है कि मेघा बिग बॉस के घर में पहली बार नहीं जा रही हैं। जी हाँ, इसके पहले भी मेघा बिग बॉस मराठी सीजन 1 में घर में जाकर बिग बॉस मराठी के विनर भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि मेघा धड़े ने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की में छोटा सा किरदार निभाया था। साथ ही मेघा किस देश में निकला होगा चांद और कस्तूरी जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं। मेघा ने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है जिसमें मान सम्मान, मैटर, एक होती रानी और सुपरस्टार शामिल है। और अब बिग बॉस सीजन 12 में भी कर ली है मेघा धड़े ने एंट्री, यानी कि इस बार होने वाला है हंगामा, वो भी डबल। मेघा धड़े के वाइल्ड कार्ड एंट्री से आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। बिग बॉस के घर में हो गई है दो वाइल्ड कार्ड एंट्री, रोहित सुचांति और मेघा धड़े की, और शुरू हो गया है बहुत सारा हंगामा। तो चलिए आज आपको बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मेघा धड़े के बारे में बताते हैं कि वो कौन है और बाय प्रोफेशन क्या करती हैं। 30 साल की मेघा धड़े का जन्म 22 मई 1988 को महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ है। मेघा ने कई मराठी टीवी सीरियल में भी काम किया है। खास बात यह है कि मेघा बिग बॉस के घर में पहली बार नहीं जा रही हैं। जी हाँ, इसके पहले भी मेघा बिग बॉस मराठी सीजन 1 में घर में जाकर बिग बॉस मराठी के विनर भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि मेघा धड़े ने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की में छोटा सा किरदार निभाया था। साथ ही मेघा किस देश में निकला होगा चांद और कस्तूरी जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं। मेघा ने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है जिसमें मान सम्मान, मैटर, एक होती रानी और सुपरस्टार शामिल है। और अब बिग बॉस सीजन 12 में भी कर ली है मेघा धड़े ने एंट्री, यानी कि इस बार होने वाला है हंगामा, वो भी डबल। मेघा धड़े के वाइल्ड कार्ड एंट्री से आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।